सऊदी अरब जहाँ की धरती रेतीली है और जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, यहाँ तेल तो भारी मात्रा में है जिसकी वजह से यह देश अमीर भी बना है, लेकिन यहाँ पानी की भारी कमी है, या यूं कहे कि इस देश में पीने लायक पानी है ही नहीं। यहाँ न एक भी नदी है न झील, पानी का कुआं है पर उसमें पानी नहीं है। यहाँ सोना तो है लेकिन पानी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब पीने के लिए पानी कहाँ से लाता है। तो चलिए इसके पीछे की हैरान करने वाली सच्चाई जान लेते हैं। इस देश की महज 1% जमीन ही खेती के लायक है और उसमें भी कुछ कुछ सब्जियां ही उगाई जाती है, क्योंकि धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए उसे भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि एक बार यहाँ गेहूं की खेती शुरू की गई थी, लेकिन पानी की कमी के चलते बाद में उसे ये बंद करनी पड़ी। सऊदी को अपना खाने पीने का सारा सामान विदेशों से ही खरीदना पड़ता है। सऊदी अरब के पास अब भूमिगत जल थोड़ा बहुत ही बचा है और वो भी बहुत नीचे है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पहले यहाँ पानी के बहुत सारे कुएं थे जिनका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई भूमिगत जल का दोहन भी यहाँ बढ़ता गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और कुछ ही सालों में कुएं पूरी तरह सूख गए। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ बारिश तो साल में 1 या 2 दिन ही होती है और वो भी तूफान के साथ। ऐसे में उस पानी को संचित करना संभव ही नहीं है और न ही उससे भूमिगत जल के दोहन की भरपाई भी हो सकती है। असल में यहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए डिसालिनेशन यानी विलवणीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है और तब जाकर वह पीने लायक बनता है। सऊदी अरब तेल से हुई बेशुमार कमाई का एक हिस्सा तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में ही खर्च कर देता है। 2009 के एक आंकड़े के मुताबिक उस समय 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने में 2.57 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी 1.12 रियाल यानी 20 रुपए से ज्यादा प्रति क्यूबिक मीटर लग जाता था। अब तो यह खर्च बढ़ भी गया होगा, क्योंकि यहाँ पानी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। साल 2011 में सऊदी अरब के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि देश में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पानी की समस्या कितनी विकराल है। तो गाइस, अगर सऊदी के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।